नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी चंद। माँ के नाम पर चुराई हुई शायरी करके जनता के बीच नाम कमाने वाले कथित फर्जी शायर मुनव्वर राणा का कट्टरपंथी रूप देश के सामने आ चुका है। इन दिनों मुनव्वर राणा अपने मजहबी बयानों की वजह से सुर्खियों में है। हाल ही में फ्रांस में हुए हमले पर भी मुनव्वर ने जहर उगला था और कहा था कि पैगंबर की बुराई करने का सिर कलम करना गलत नहीं है। अब एक बार फिर उन्होंने अपनी कट्टर सोच लोगों को दिखाई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी कर ली है। ऐसे में देश के कई लोग लव जिहाद के खिलाफ बने कानून का कड़ा विरोध कर रहे हैं। अब इसमें मुनव्वर राणा जैसे जिहादी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने ट्विटर पर लव जिहाद को लेकर बन रहे कानून पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के अंदर मौजूद ऐसे नेताओं पर भी कार्रवाई हो जिन्होंने गैर धर्म में शादियां की हैं। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि यूं तो लव जिहाद सिर्फ एक जुमला है जो समाज में नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान तो मुस्लिम लड़कियों का ही होता है क्योंकि लड़के कहीं और शादी कर लेते हैं। तो वहीं दूसरे ट्वीट में मुनव्वर ने लिखा, इस पर बने कानून को हम समर्थन इस शर्त पर देते हैं कि इसकी शुरुआत पहले केंद्र सरकार में बैठे दो बड़े लव जिहादियों से की जाए ताकि बाद में दो मुस्लिम लड़कियों के निकाह उनसे ही हो सके और जिन भी बीजेपी नेता या उनके परिवार के लोगों ने गैर धर्म में शादियां की उन पर भी कार्रवाई हो। मुनव्वर का ये तर्क सुनकर तो लगता है कि ये वो जहीन शायर हो ही नहीं सकते। उन्होंने अब तक जो भी लिखा है या तो कहीं से चोरी करके लिखा है या किसी और से लिखवा कर खुद के नाम से पढ़ लिया है, क्योंकि मुनव्वर राणा ने जो तर्क दिया है वो तो कोई महामूर्ख आदमी भी नहीं दे सकता। या तो मुनव्वर साहब को लव जिहाद का मतलब नहीं पता या फिर वे लव जिहाद पर ऐसे बयान देकर पर्दा डालने की कोशिश में लगे हैं। वैसे मुनव्वर साहब को हम बता दें कि जिन लोगों के ये नाम ले रहे हैं उन्होंने अंतरधार्मिक विवाह किया है, लव जिहाद नहीं, जिसकी इजाजत भारतीय कानून और संविधान भी देता है। शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नियां आज भी हिंदू हैं। उनका इन दोनों ने मजहब परिवर्तन नहीं करवाया है और ये दोनों ही अपने घर में ईद भी मनाते हैं और दीपावली भी। पत्नी पूजा करती हैं और ये नमाज पढ़ते हैं, इसलिए ये लव जिहाद नहीं है। लव जिहाद वो है जो सलीम संजय बनकर हिंदू लड़की को फंसाता है, फिर उसका शोषण करता है और उसे छुपकर बनाए अश्लील वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर मत परिवर्तन के लिए दबाव बनाता है और जो लड़कियां ऐसा करने से इनकार कर देती हैं उनका ये या तो कत्ल कर देते हैं या फिर सामूहिक बलात्कार कर उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। और सरकारें जो कानून ला रही हैं उसमें भी ऐसे ही लव जिहादियों पर लगाम लगाने के लिए कड़े प्रावधान हैं, ना कि अंतरधार्मिक विवाह करने वालों को रोकने की योजना। इसलिए मुनव्वर साहब, या तो आप बुढ़ापे में वास्तव में सटिया गए हैं जैसा कि आपके बिरादर शोएब जुमाई ने कहा था, या फिर आप अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के चक्कर में मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे आप समाज के सामने पूरी तरह से निर्वस्त्र हो चुके हैं। अब आपके पास कोई कपड़ा नहीं बचा है जिससे आपकी कथित सेक्युलर शायर वाली छवि बची रहे, इसलिए अब आप खुलकर प्रोपेगेंडा मशीनरी का टूल बनकर इस्तेमाल हो सकते हैं और खुलकर कट्टर इस्लाम को फैला भी सकते हैं। खैर, मुनव्वर राणा ने तो सीए का भी विरोध किया था, लेकिन ये कानून आ भी गया और लागू भी होने वाला है, इसलिए इनके विरोध का कोई फर्क नहीं पड़ता। लव जिहादियों पर लगाम कसने के लिए कानून तो आएगा और आप मन मसोच कर रह जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मुनव्वर साहब को और फेमस करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए वीके न्यूज को देखते रहें। धन्यवाद।